नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइट स्टडी में। आज हम उपस्थित हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जो कि आधारित है बाल विकास और अधिगम में संबंध पर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं, विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा, वृद्धि तथा विकास में अंतर, बाल विकास एवं अधिगम में संबंध, बाल विकास और अधिगम से संबंधित प्रश्नोत्तर अंत में नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। बात करते हैं बाल विकास के अर्थ की। बाल विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बाल विकास का तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से, जिसमें उसके समस्त पहलुओं का विकास शामिल है, जैसे संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास शामिल होता है। यही बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास की परिभाषा प्रमुख विद्वानों द्वारा कौन कौन सी हैं? क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। रलक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विकास की अवधारणा क्या है दोस्तों? निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे, विकास की अवधारणा को समझेंगे। विकास की प्रक्रिया सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का संपूर्ण विकास होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। विकास हमेशा व्यक्तियों में परिवर्तन दर्शाता है। उदाहरण, जैसे संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास। पहले बच्चा कम बोलता है, थोड़े अक्षर बोल पाता है, बाद में बहुत सारे अक्षर बोलने लगता है। शारीरिक विकास में उसका शरीर वृद्धि होती है, बड़ा हो जाता है। सामाजिक विकास आदि शामिल हैं। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। बाल विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत बालक में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले सभी परिणामात्मक गुणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य या बालक की शारीरिक संरचना, आकार, लंबाई, भार और आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता आती है, विकास कहलाता है। नेक्स्ट, बाल विकास की अवधारणा यह है कि विकास एक क्रमिक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो शारीरिक वृद्धि के अवरुद्ध हो जाने के बाद भी चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। बालकों में यह क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला है। कहने का तात्पर्य है कि ये परिवर्तन निश्चित दिशा में होते हैं जो सदैव आगे की ओर उन्मुक्त रहती है। वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, आइए देख लेते हैं। वृद्धि तथा विकास में अंतर यह कि आमतौर पर वृद्धि तथा विकास का अर्थ एक समान मान लिया जाता है, जो कि नहीं है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार ये परस्पर भिन्न है। वृद्धि शब्द का प्रयोग बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक अंगों के आकार, लंबाई, भार, बढ़ोतरी में किया जाता है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है उसका आकार, लंबाई, नाक, नक्स आदि में परिवर्तन आने लगता है। इसके स्थान पर नए नाक नक्श आदि प्रकट होने लगते हैं, अर्थात वृद्धि को मापा जा सकता है। किंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थों में विकास केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना ही नहीं है, यह नई विशेषताओं, क्षमताओं का विकसित होना भी है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। विकास और अधिगम में संबंध क्या है, निम्न बिंदुओं पर देखेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम शाब्दिक अर्थ सीखना, विकास से सीधा संबंध है।
जन्म से ही मनुष्य सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मनुष्य अपने स्वभाव अनुभव के साथ साथ व्यवहारों में भी परिवर्तन और परिमार्जन करता है। वस्तुतः यही अधिगम है, इसे ही सीखना कहते हैं और यही विकास और अधिगम में संबंध है। मनुष्य अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ अवश्य सीखता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में सीखने की गति एक समान नहीं रहती। यह संबंध भी है। शैशवावस्था में बालक माता के स्तन से दूध पीता है, पीना सीखता है। बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने पर निप्पल मुंह में कैसे ले यह सीखता है। थोड़ा बड़ा होने पर ध्वनि और प्रकाश से प्रतिक्रिया करना सीखता है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अपनी जरूरतों और अनुभवों से सीखता चला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एवं पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।